जनपद जालौन में आज बिल्लैया गांव में आम के बाग में दो दर्जन से अधिक की तादाद में कौए मरे मिलने से हड़कंप मच गया इसकी जानकारी बाग मालिक ने स्थानीय प्रशासन को दी सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर भेजी तथा मरे कौए को गड्ढा खोद दफना दिया गया जिससे अगर कोई बात हो तो लोगों को सचेत किया जा सके बता दें कि इस समय प्रदेश में वर्ड फ्लू के खतरे को लेकर शासन स्तर से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं एक और प्रशासन जहां कई ठोस कदम उठा रहा है वहीं आम जनमानस वर्ड फ्लू को लेकर भयभीत नजर आ रहा है आज एट थाना क्षेत्र के बिल्लाया गाँव में पुरुषोत्तम खरे के पाँच बीघा के आम के बाग में दर्जनों की संख्या में कौए मरे मिलने से स्थानीय ग्रामीणों में हड़कंप मच गया उन्होंने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी कौए की मरने की सूचना पर पशु चिकित्सा अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने मरे कौए को देखते हुए गड्ढे में दफन कराकर चूना डलवा दिया जिससे अगर कौए के मरने का कारण कुछ और निकला तो लोगों को सूचित किया जा सके फिलहाल इस मामले में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि किसी भी कौए में बर्ड फ्लू का सिस्टम नहीं मिला है इसलिए उन्हें जांच के लिए नहीं भेजा है और जनपद में ऐसा कोई भी मामला अभी तक नहीं आया एट के जो है अस्पताल क्षेत्र के अंदर जो बिलाया गांव पड़ता है बिलाया ग्राम और जो टोल प्लाजा के बीच में एक पुरुषोत्तम खैर जी का वो है बगीचा लगभग पाँच बीघे में उसमें बत्तीस को जो मृतक पाए गए हैं और उनमें एवियन इन्फ्लुंजा मतलब बर्ड फ्लू का तो कोई इस तरह का लक्षण जो हमारे डॉक्टरों की टीम ने जो है उनका निरीक्षण करने के उपरांत बताया है कि ऐसा कोई उनमें जो सिम्टम नहीं मिला नहीं सैंपल टेस्ट के लिए नहीं भेजा गया उन्हें जो है गड्ढा खोद कर चूना डलवा कर दफनवा दिया गया जब तक उनके जो है ऊपर से लक्षण हमें इस तरह के नहीं दिखाई दिए तब तक उनको ऐसे कैसे भेज दिया जाएगा अभी जनपद में क्या स्थिति है? अभी तक तो कोई इस तरह का कोई भी केस हमारे सामने नहीं आया जालौन से यूपी ट्वेंटी फोर न्यूज के लिए मनोज त्यौहारी की रिपोर्ट